बात जब हो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स की तो उनके कंटेस्टेंट्स की तालीम भी तो सुपर ही होनी चाहिए ना। तो लीजिए, आ गए हैं महागुरु और ब्लैक बोर्ड पर एक्टिंग की ABCD के साथ दे रहे हैं अपना गुरु मंत्र। नए टैलेंट्स पर बारीकी नजर रखने वाले महेश भट्ट इन कंटेस्टेंट्स के लिए बन गए हैं महागुरु, जिनकी पैनी नजर और कड़क रुख इन्हें लेकर जाएगी अभिनय के दूसरे लेवल पर। सही डीन वही होता है जिसको अपने कुछ नहीं जानने का एहसास होता है। एक नई पीढ़ी है, एक नई पौध है, एक नई एनर्जी है आज के हिंदुस्तान में। तो ये बच्चे जो आए हैं वो उस सोच को लेके आए हैं, एक जवान सोच को, एक नई वाइटैलिटी को लेके आए हैं। उनके जहन को देखना करीब से, उनकी आंखों में झांकना और अपना क्राफ्ट समझना, ये मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव है। एक बात तो महेश भट्ट ने साफ कर दी है कि यहाँ पर वो शाहरुख खान या आलिया भट्ट को ढूंढने नहीं आए हैं। आई डू नॉट वॉन्ट अ चीप इमिटेशन ऑफ अ शाहरुख खान टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। एक चीप इमिटेशन ऑफ आलिया भट्ट, ये अपने आप में बहुत बड़े नाम आज की तारीख में है, क्योंकि उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। कहीं पर ये कोशिश होगी इनको इस बात से हम जोड़ें कि तुम अपने अंदर जो दबे हुए खजाने को ही छुओ, उसके बल पे तुम ये एक मैजिक कारपेट उसको बना के फिर तुम उड़ पाओगे, नहीं तो आप उड़ ही नहीं पाओगे। उनकी नजर ढूंढ रही है एक सुपरस्टार को जिसकी अपनी एक चमक हो, और उसी चमक को तराश कर महेश भट्ट तैयार करेंगे गाला राउंड के लिए, जहां पर करण जौहर और रोहित शेट्टी दोनों ही कर रहे हैं उस हुनर का इंतजार। मुंबई से जयता मित्रा सुवर्णा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।